एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ कैसा लगता है डेयरी फार्म। ये देखो पूरा उधर पानी की सुविधा की गई है, दोनों तरफ टंकियाँ रखी गई हैं ऊपर छत पर, ताकि नीचे जो पानी का जो प्रेशर है वो ठीक ठाक बना रहे। और ये देखो आप पूरा डेयरी फार्म मैं आपको घुमाऊंगा। किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन, मेरे नाम है संदीप सिंह और हम अब अंदर जा रहे हैं प्रताप डेयरी फार्म में, क्योंकि आपको मैं पूरे जो डेयरी है उसका टूर करवाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कितने सारे पशु यहाँ पर हैं, यानी कि 3 फ्लोर पर यहाँ पर एनिमल को बांध रखा है। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें कि आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से एनिमल हैं और कैसे यहाँ पर इनका मैनेजमेंट किया जाता है, क्योंकि शायद ही आपने इतना बड़ा डेयरी फार्म देखा होगा। ये देखो आप 3 मंजिल पर यहाँ पर डेयरी फार्म, यानी कि सबसे नीचे ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर ऊपर ये है दूसरा फ्लोर, फिर ऊपर जो छत है उस पर भी यहाँ पर एनिमल को बांधा जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पूरी डेयरी फार्म कैसा है। तो ये जो है इस डेयरी फार्म के ओनर हैं, यानी कि सत्य प्रकाश जी इनका नाम है और इनके बेटे साहब हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे डेयरी फार्म का यहाँ पर टूर करवाता हूँ। सामने यहाँ पर जो है चाप कटर मशीन चल रही है और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से डेयरी फार्म को बनाया गया है और क्या क्या यहाँ पर मैनेजमेंट है। पूरा का पूरा इंटरव्यू वीडियो हमने इनका बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको डेयरी फार्म का जो टूर है वो एक बार करवा देता हूँ। ये देखो इनके पीछे पीछे बहुत सारे यहाँ पर खंड बने हुए हैं, जो कि आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको सारे के सारे पशु में आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि 3 फ्लोर यहाँ पर हैं, तो किस प्रकार से उन पर चढ़ा जाता है ऊपर जानवरों को और कैसे इनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर कच्ची जगह इनके लिए छोड़ी गई है। ये देखो इस साइड में यहाँ पर गाय जो है उनको बांधा गया है। इस डेयरी फार्म पर 450 एनिमल है, तो इनमें लगभग 120 के आसपास यहाँ पर HF गाय हैं और बाकी जो पशु हैं वो सारे के सारे जो हैं भैंस यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखो आप ये उधर देखें आप, सबसे पहले उधर सारे का सारे पहले जो डेयरी फार्म इन्होंने बनाया था वो डेयरी फार्म है, और यहाँ पर जो अब बनाया है इन्होंने वो है, यानी कि ये देखो मैं आपको पूरा का पूरा डेयरी फार्म में वो घुमाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम, और यहाँ पर जानवरों के खुर खराब ना हो और उनको आरामदायक यहाँ पर महसूस हो, यानी खास करके HF गाय को, तो उनके लिए यहाँ पर कच्चा रखा गया है और इसमें ट्रैक्टर के द्वारा थोड़ा बहुत इसको कुराल दिया जाता है, ताकि जो मिट्टी जो है मुलायम और ये दरदरी यहाँ पर बनी रहे, सॉफ्ट मिट्टी यहाँ पर रहे, तो उसके लिए यहाँ पर कच्ची जगह भी रखी गई है। और इधर जो पिछली साइड इसके उधर जो है उधर छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको रखा गया है, और यहाँ पर देखें आप इनके जो छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको रखा गया है अलग से डेयरी के पीछे। एक सेफ बाड़ा इनके लिए बनाया गया है, जिसमें कि पानी की व्यवस्था इनके लिए की गई है। तो कच्ची मिट्टी यहाँ पर है, और पीछे चलिए हम फिर से आपको दिखाते हैं कि सारी की सारी जो भैंस है वो किधर हैं। और ये देखो इनके लिए यहाँ पर मेट की व्यवस्था की गई है, और अंदर जो खुरली है वो भी टाइल्स की बनाई गई है, जिसमें कि यहाँ पर इनके मुंह में कुछ कचरा वगैरह ना जाए और साफ सफाई का बिल्कुल ही यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो अंदर जो है अभी ठंड है तो इनको अंदर बांध दिया जाता है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर जो सुबह धूप आती है तो धूप में इन सारे पशुओं को यहाँ पर बाहर बांध दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पर भैंस के अंदर लेके चलता हूँ, और फिर हम यहाँ से जो ऊपर का जो फ्लोर है उसके ऊपर चलेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सारे की सारी जो भैंस है वो नीचे बैठी हुई है, और कितनी आरामदायक यहाँ पर सुकून इनको महसूस होता है, ऐसी ये जगह है, बहुत ज्यादा शानदार ये डेयरी फार्म है। तो देखिए मैं आपको सारे के सारे जो पशु हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पूरी डेयरी का टूर करवा देता हूं, ताकि पूरा वीडियो जो है वो एक सेफ वीडियो बने, जिसमें कि आप देख पाए कि ये डेयरी फार्म किस प्रकार से बना हुआ है और कितने पशु इसके अंदर हैं और किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है। ये देखो उधर भी पशु हैं सारे के सारे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और 450 एनिमल है, तो एक एक करके हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, पर इस डेयरी फार्म पे सबसे अधिक से अधिक जो दूध देने वाली जो भैंस है वो ज्यादा ज्यादा एक भैंस है यहाँ पर, जिसने 32 किलो दूध दिया हुआ है, और बाकी की जो भैंस हैं वो लगभग बहुत सारी भैंस यहाँ पर 25 लीटर दूध की है, यानी कि दोनों टाइम का मिलाकर यानी कि 12.5 लीटर 12 लीटर दूध एक टाइम का होता है। तो ऐसी कई सारी भैंसें यहाँ पर हो रहे हैं, और भैंसों की आप हेल्थ देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा शानदार हेल्थ आपको लगेगी।
ऐसी कोई ये नहीं है कि आपको भैंसे कमज़ोर लगें या फिर भैंसे की जो हेल्थ है वो आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वालिटी की यहाँ पर सारी की सारी भैंसें आपको देखने को मिलेगी। ये देखें, इधर छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो बंधे हुए हैं, ये देखो सारी की सारी वैसे जो आराम कर रही हैं। अभी धूप है, ठंड का मौसम है, तो इनको यहाँ पर बांध दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले इनको नहलाया गया था। चलिए अब हम ऊपर के फ्लोर पर आपको लेके चलते हैं। नीचे उधर भी बहुत सारी गायें भैंसे हैं, लेकिन उधर क्या है HF गाय है। सबसे पहले मैं आपको भैंस दिखाना चाहता हूँ। तो ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर ऐसी रेलिंग जो है वो बनाई गई है ताकि पशुओं को ऐसा ना लगे कि उनको कोई छत पर चढ़ा रहा हो। और जैसा कि मैं यहाँ पर चढ़ रहा हूँ तो ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बल्कि एक जो समतल जो जगह होती है थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ घाटी हैं या फिर चढ़ाव हैं, लेकिन ऐसा खास ये नहीं लगता कि हाँ यहाँ पर कोई पशुओं को तकलीफ होती होगी। चलिए हम आ गए हैं, देखो आप ये नीचे वाला फ्लोर इधर रह गया है। अब हम आ गए हैं दूसरे फ्लोर पर, ये देखो तो अब जो यहाँ पर जो ये बांधी गई हैं सारी जो प्रेग्नेंट जो बछड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर बांधा गया है। और इनको देखें आप, भर पेट यहाँ पर हरा चारा दिया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ पर कि इस गाय को इतना दिया जाएगा या फिर ये है, पूरा का पूरा भर पेट यहाँ पर इनको दाना दिया जाता है। और देखें आप, एक की भी हेल्थ आपको कमजोर नहीं लगेगी, ये देखो। और जो सबसे ऊपर है उस पर भी यहाँ पर भैंस बांधी गई है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये देखो हरा चारा भी बहुत ज्यादा पौष्टिक जो चारा होता है, ये देखो यहाँ पर कुट्टी करके उनकी यहाँ पर खिलाई जाती है इनको। और इतना बड़ा डेयरी फार्म मैनेज करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो ये देखो इधर सारे के सारे इनकी खाने की व्यवस्था की गई है, भर पेट इनको खाना खिलाया जाता है। और अभी कुछ एनिमल जो है ऊपर चढ़ा दिए गए हैं और उस एनिमल को साइड में बांधा गया है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो है प्रेग्नेंट जो कचड़ियां हैं वो हैं, देखो कितना शानदार यहाँ पर आपको दिख सकता है नजारा, ये देखो। और सारे के सारे जो मजबूत जो लेंटर हैं वो डालकर यहाँ पर छत किया गया है। और कोई ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं रखी गई ताकि जो है हेवी इसको बना सके और ज्यादा से ज्यादा मजबूत इसको बनाने की कोशिश की गई है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पर खिड़कियां जो हैं उनको पैक कर दिया गया है टिन सेट के द्वारा। और जैसे यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम आएगा तो इनको यहाँ पर खोल दिया जाएगा ताकि इनको हवा लग सके, यहाँ से जो है वो हवा इनके अंदर आ सके। तो अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जो सबसे ऊपर का जो फ्लोर है उसके ऊपर। ये देखो अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो बछड़ियां हैं उनको यहाँ पर बांधा गया है। ये देखो रात में इनको, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, नीचे वाले फ्लोर पर ले जाया जाता है और सुबह में इनको जो धूप है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर बांध दिया गया है। ये देखो शानदार तरीके से इनको आरामदायक, देखो अब दिखने में आपको ऐसे लग रहे होंगे एक की भी यहाँ पर जो हेल्थ है वो आपको कमजोर देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इनका ख्याल रखा जाता है। ये देखो और यहाँ पर इनके लिए पानी की सुविधा की गई है, जब इनको खाने की जरूरत होगी तो इनको नीचे ले जाया जाता है या फिर यहाँ पर भी इनको चारा डाल सकते हैं। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था फुल फाल इनके लिए लाइन, देखो आप ये, अगर इनको नहलाना हो या फिर पानी की इनके लिए टंकी भरनी हो तो वाल सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, तो इनके लिए यहीं पर ये पानी की सुविधा कर दी जाती है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर इनके साथ इनके पास बुल भी हैं और जो बछड़ियाँ जो है वो इसको इनको इस फ्लोर पर बांधा गया है। तो ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर का लास्ट ये फ्लोर है, ये छोटे जो यहाँ पर बछड़े बछड़ियाँ हैं कचड़े हैं उनको बांधा गया है।
दोस्तों आप देखें ऐसा डेयरी फार्म तो शायद ही आपने देखा होगा कि कोई 3 मंजिला डेयरी फार्म यहाँ पर रखे। ये देखो, और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, इधर इन्होंने एचएफ गाय का जो पार्सन है उसको किया गया है, जो कि एचएफ गाय जो दूध दे रही है उनको यहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करें तो किसी के देखा देखी आप ना करें, बिल्कुल कम पशुओं से आप शुरुआत करें, जिससे कि आपको उसका नॉलेज हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें बचत होती है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप पहले ही ज़्यादा पशु लेके आ जाते हैं और अगर आप उनका मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें हो सकती हैं। और सबसे पहले आपको दूध कहाँ सेल करना है उसका आप पक्का करें, क्योंकि पशु को लाने के बाद आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। और डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आप सबसे अपने जो आसपास के डेयरी फार्म हैं उन पर जाकर देखें कि किस प्रकार से उनको पालन पोषण वहाँ पर किया जाता है, क्या खिलाया जाता है, कहाँ पर दूध सेल किया जाता है। इससे आप डेयरी में एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।